आज भारतीय कप्तान विराट कोहली और बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा की इटली में शादी हुई। शादी में केवल नजदीकी रिश्तेदार शरीक हुए। सारे भारतवर्ष की तरफ से इन दोनों को हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए अगली खबर की ओर चलते हैं। नरेंद्र मोदी ने एक रैली में कहा कि सोनिया गांधी की जन्मभूमि पर आज बल्लेबाज विराट कोहली और बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा की हुई शादी, रस्में देखकर आप रह जाएंगे दंग। मैं भी रह गया था दंग, क्योंकि दंगल दंगल है। सूत्रों से और मीडिया के इररिलेवेंट चूतड़ों से पता लगा है कि अनुष्का तो शादी करना चाहती थी अक्टूबर में, लेकिन विराट ने कहा डार्लिंग शादी करेंगे दिसंबर में, पहले 2-3 डबल सेंचुरियां मारूंगा फिर तुमसे शादी करूंगा मेरी डार्लिंग। आखिर क्यों मान्यवर की एड में कोजी कपल की तरह बिहेव करते अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने अपनी ही शादी पे पहनी सब्यसाची की शेरवानी, आज जानेंगे 8 बजे और इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई काम नहीं है और देश में और कोई खबर नहीं है। क्या शादी के बाद विराट कोहली की परफॉर्मेंस में आएगा असर? क्योंकि अगर अब वो शतक लगाने से चूके तो हम अनुष्का शर्मा को ही ब्लेम करेंगे, क्योंकि वो इसी टारगेट है और हम हैं वेले। श्रीलंका से धर्मशाला में हार के बाद ऐसा लग रहा है शादी तो हुई है विराट कोहली की, लेकिन बारात निकल रही है टीम इंडिया की। अगले 1.5 महीने तक हम विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के पीछे भागते रहेंगे, एयरपोर्ट पे पैपराजी वाली फोटो लेते रहेंगे, क्योंकि हमारे लाइफ के तो एल लग गए और हमारे पास कोई काम है नहीं और ना हम उनको चैन से जीने देंगे। अनुष्का की अगली हर फ्लॉप पे हम अनुष्का को ब्लेम करेंगे और विराट कोहली के हर डक पे हम अनुष्का को ब्लेम करेंगे। कितने हरामी हैं हम।